नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सभी परिषदीय विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक रहेगा अवकाश। इससे पहले हमें होली की छुट्टी में मूल्यांकन का कार्य दे दिया गया था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध होने के बावजूद होली की छुट्टी के मूल्यांकन का कार्य स्थगित किया गया और अब 24 से 31 तक का अवकाश घोषित कर दिया गया। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ये अवकाश क्यों घोषित किया गया, क्या परिषदीय विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं होंगी, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का आदेश आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाए। बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति में रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें देखिए पिक्चर भी दी गई है स्कूल क्लोज्ड की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी फोटो दी गई है और उसके बाद दिया है ग्रामीण इलाके तैनात होंगे नोडल अधिकारी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए हैं। ये नोडल अधिकारी उनके क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच होना सुनिश्चित करेंगे। संदिग्ध रोगी पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था और RT-PCR जाँच कराते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाए। प्रत्येक जनपद में एक एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था भी की जाए। आगे लिखा है परीक्षाएं जारी रहेंगी, टीकाकरण होगा तेज। मुख्यमंत्री ने कहा जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को खराब होने से हर हाल में रोका जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन कोविड-19 संबंधी समीक्षाएं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि में बाहरी आवागमन पर नियंत्रण हो। जिलों में कोविड के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रहे। पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम अपनाया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार संबंधी समस्याएं सुनिश्चित की जाएं। त्योहारों पर रोक नहीं लेकिन कई पाबंदियां। मुख्यमंत्री ने कहा पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस या कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किया जाए। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष से उम्र के कम के बच्चों, 60 से अधिक के वृद्धजन और 1 से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों आदि को शामिल होने से बचाया जाए। इन आयोजनों में सुनिश्चित किया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्णतः पालन हो। देखिए इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी खबर आ गई है, यूपी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद। लखनऊ, प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च और कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यह निर्णय सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवधि में स्कूलों में चल रही कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत जारी रखने के निर्देश दिए हैं। तो साथियों, बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप होली आराम से मनाइए, एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी
अगर अच्छी लगी होगी, क्योंकि छुट्टी की न्यूज़ है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।